दो दशक पहले यानी कि 22 साल पुरानी ये तस्वीरें नुमाया करती हैं कि इस्लामिक कानून शरिया लागू करने की जिद में तालिबान किस कदर अंधा हो चुका था कि उसने शांति और मोक्ष का संदेश देने वाली गौतम बुद्ध की जीवंत प्रतिमाओं पर तोप के गोले और मशीन गन चलाने से गुरेज नहीं किया। तालिबान ने चुन चुन कर उस ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का कोना कोना नोचा जो दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता था। बमियान बौद्ध की प्रतिमाओं के साथ तालिबान के सलूक ने दुनिया भर में लोगों में गुस्सा भरा। ये वो समय था जब तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में दम भर रही थी। उसे कुछ भी करने की भरपूर आज़ादी आज की तरह ही तब भी थी, लेकिन मूर्तियों को उड़ाते समय तालिबान ने ये भी नहीं सोचा कि एक दिन उसे पूरी सत्ता और ताकत हासिल करने के बावजूद भगवान बुद्ध की शरण में आना होगा, अपना फैलाया रायता समेटना होगा। जी हाँ, बुद्ध की शरण में तालिबान है क्योंकि मजबूरी ऐसी है कि तालिबान के सामने एक तरफ गरीबी और भुखमरी का कुआं है तो दूसरी तरफ खाली खजाने की खाई है। दूर दूर तक कोई पैसे की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अब तालिबान ने पहले तो बामियान बुद्ध की मूर्तियों के संरक्षण का दावा किया, तो अब बामियान बौद्ध की टूटी हुई मूर्तियों से कमाई करना चाहता है और इसे टूरिज्म पर जोर लगा रहा है। पाई पाई के लिए मजबूर तालिबान अपनी गलती पर पछतावा करते हुए बुद्ध के आसरे आर्थिक संकट से उभरने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। बुद्ध की टूटी और खंडित मूर्तियों के हिस्सों की नुमाइश के लिए तालिबान टिकट बेच रहा है। लोगों से गुजारिश कर रहा है कि एक बार यहाँ आओ तो सही। तालिबान हुकूमत ने इस प्रतिमाओं के पास एक टिकट ऑफिस खोल रखा है जहाँ अफगानों के लिए 58 सेंट और विदेशियों के लिए $3.45 वसूले जाते हैं। दरअसल मौजूदा तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रही है, इसके चलते अफगानिस्तान में तालिबान शासन नकदी के संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तालिबान इन प्रतिमाओं के जरिए आमदनी का स्रोत बढ़ाने की कवायद में जुटा है। बता दें कि राजधानी काबुल में 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यहाँ खड़ी चट्टान को काट कर बनाई गई महात्मा बुद्ध की शांत मुद्रा वाली प्राचीन प्रतिमाएँ हैं जिनके दीदार के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन तालिबान ने इन मूर्तियों पर जमकर गोले दागे और बाद में यहाँ ऐसा प्रतिबंध लगाया कि परिंदा भी यहाँ झांकने नहीं आता था। वहीं कट्टरपंथ के चलते महिलाओं को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, जिस वजह से थोड़ा बहुत जो कुछ भी पर्यटन बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया। लेकिन अब तालिबान को समझ आ गया है कि अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पैसे की मदद लेनी है और अटके हुए फंड लेने हैं तो उसे अपनी छवि दुरुस्त करनी होगी। यही वजह है कि अब वो बमियान बौद्ध की प्रतिमाओं को नए सिरे से संरक्षित करने का काम कर रहा है। अब तालिबान के लड़ाके इन प्रतिमाओं की चौतरफा सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात हैं। वहीं तालिबान एक तीर से दो शिकार भी कर रहा है। बुद्ध प्रतिमाओं के संरक्षण के जरिए तालिबान चीन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है ताकि कुछ पैसा चीन से भी आ सके। दरअसल बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ने पर चीन ने तालिबान का खासा विरोध किया था। अब तालिबान उम्मीद कर रहा है कि अफगानिस्तान में विकास के नाम पर उसे अरबों डॉलर का चीनी निवेश मिल सकता है, जबकि चीन की नज़र अफगानिस्तान खनिज संपदा पर है और वो उस पर नज़र गड़ाए हुए है।